चैनल। सो बहुत टाइम बाद स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो ऑलमोस्ट 4 महीनों बाद आई गेस, है ना? 4 महीने से ज़्यादा ही हो चुका होगा मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई रीज़न नहीं है उसका, बस ऐसे ही नहीं किया। बट अभी थोड़ा सा मन किया कि हाँ थोड़ा ब्लॉग बना लूँ, तो इसलिए। और वैसे भी आजकल थोड़ा मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया हुआ, तो इसलिए बिजी भी हूँ उसमें। आज थोड़ा ऑफ था, और वैसे भी हम नानी के यहाँ जा रहे हैं आज हरिद्वार। अब जब आए हैं तो सौम्या के मोमो भी खाने ही पड़ेंगे, खाने तो पड़ेंगे बेबी, एक प्लेट तो खानी ही पड़ेगी। तब पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है आगे मोमो, खाने तो पड़ेंगे, दस्तूर तो निभाना पड़ेगा। आ चुका है सौम्या। सूप बहुत टेस्टी हो रहा है। एक तो कोल्ड में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि काढ़ा सूप, ये सब मुझे बहुत पसंद है कोल्ड में स्पेशली। दिखने की है ये। स्पाइसी की ज़्यादा मीठी हो रही है चटनी। सो नाउ इट्स टाइम कि हम थोड़ी सी रसमलाई भी खा लें। आई लव रसमलाई। मुक्का पंती करते हुए बहुत अच्छी हो रही है। हम अब नानी के घर पहुंच चुके हैं, तो मैं विल कैच यू लेटर। बना के प्रॉपर एकदम बाहर करने आए थे मम्मा। अच्छा, तो के पांच हो। एक ही पेड़ में दो तरीके के फूल, वाइट भी एंड पिंक भी।
बताओ फूल के बारे में, फूल जैसे जो है ना जो फूल अब इसी के बाद जो दोपहर के बाद जो सफेद हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा बस, बहुत बढ़िया सफेद हो अब इसके बाद दोपहर के बाद लाल हो जाएगा यही फूल, यही फूल लाल हो जाएगा। दवाई वाला खाइए भाई। हमने तो बोए थे दिवाली, दिवाली से पहले यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है ना, ये पीछे जाए जो यहाँ पर से हाथी और नील गाय और मोर वगैरह सब यहीं रहते हैं, पीछे जंगल है ना। कैसे लगाए यहाँ तो दिखा दो। हाय हाय, कौन बोलेगा? हाय अदिति नहीं बोलेगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका नाम नहीं पता मुझे, अंश। हाय कौन बोलेगा? मम्मा नन्नी आके यहाँ पे देखो कितना बढ़िया फ्लावर लगा। ऑल राइट, तो हम खेत देख चुके हैं और अब बारी है बगीचे की। और यहाँ से दीवार से ले गए सीधे, ये जो बाउंड्री जा रही ना इससे ले गए पीछे एक तार बैड और रखी वहाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सो आज है 15th of November 2021 और टाइम हो रहा है अभी 9:59। तो अब नानी के यहाँ से घर की तरफ वापसी हो रही है। तो जैसे कि हमने सोचा नहीं था कि हम दो दिन रुकेंगे, हम सिर्फ एक्चुअली ना एक दिन के लिए आए थे कि एक दिन के लिए जाएंगे रुकने। सबका नेचर काफी सही है वहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा कि एक दिन और रुक जाते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर एक गाँव वाली फीलिंग आती है, जो प्रॉपर गाँव वाली। हाँ, प्रॉपर जो टिपिकल गांव होता है ना वो वाली फीलिंग आती है वहाँ पे। अब जैसे हम खेत भी देखने गए थे, मैंने दिखाया भी आपको, और बगीचा एंड ऑल, तो मतलब बिल्कुल गांव वाला, मतलब बहुत काफ़ी अच्छा सा लगा मुझे। तो इसलिए हम एक दिन एक्स्ट्रा और रुक गए। अगर एक्चुअली हमें आज थोड़ा रिसेप्शन में जाना है, अगर ये भी नहीं होता ना तो हम आज भी रुक जाना था, आज भी हमने रुक जाना था। मैंने उसके बारे में ना सिर्फ सुना था कि मतलब जैसे वहाँ जो सीता माता थी वो सती हुई थी, तो बट काफ़ी देखने का ना वो भी था कि मतलब देखना है करके, आज देखने को ही मिल जाएगा। डोंट वरी यू गाइस, विल टेक यू अलोंग, हम आपको भी दिखाएंगे सती कुंड। तो फनी बात ये रही, जब हमने कहा आप स्वेटर पहन लीजिए,
स्वेटर से तो मुझे ठंडा ही नहीं लगता, ठंडा थोड़ी लग रहा है वो तो बस गले में खर 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 हो रहा है। फिर अगेन शाम को ही मैंने बोला शॉर्ट्स छोड़ के कुछ लोअर टाइप का पहन लो, अरे ठंडे से थोड़ी हो रहा है गले में सिर्फ खर खर हो रहा। फिर जब समझ में आया ना कि मुंह खोल के सोना पड़ रहा है क्योंकि नाक से तो सांस आ नहीं रही है पूरी प्रॉपरली, तब पता चला कि हाँ ठंडे से ही हो रहा है एक्चुअल में। वो देखो जा सकते हैं वहां पर, वो देखो7:15 PM और हम घर पहुंच चुके थे अराउंड 11:10 आई गेस। तो मैं ऑलरेडी ट्यूशन के लिए लेट हो चुकी थी, स्टूडेंट्स आ चुके थे, मैं थोड़ा लेट थी इसलिए मैं ये बताना भूल गई कि हम पहुंच चुके हैं। तो या अभी ना आई एम गोइंग टू गेट रेडी, जैसे मैंने एक बार बताया था ब्लॉग में कि रिसेप्शन में जाना है तो उसके लिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ। विल कैच यू। ऑलराइट सो रिसेप्शन इज़ डन, वी हैव गॉट बैक एंड अब बस सोने की तैयारी है। बस नाउ आई विल चेंज माय आउटफिट एंड देन स्लिप 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 स्लिप। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स, बाय।